इवन मेरा नाम रीता चौधरी है मेरे चैनल का नाम आरसी इंफ जिस पर मैं कंटिन्यूसली डायलिसिस के ऊपर और जनरल नॉलेज के ऊपर वीडियो ला रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो या दोनों में इंटरेस्ट है तो आप दोनों तरह के वीडियो आप देखिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल न्यू है और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर है यहाँ पर मैंने पेशेंट कॉम्प्लिकेशन और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन मीन्स की डायलिसिस में कौन से कॉम्प्लिकेशन पेशेंट से रिलेटेड है और कौन से टेक्निकल होते हैं ये मैंने दे रखा है तो आप देख लीजिएगा और आज का डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन में हमारा जो टॉपिक है वो चिल्स एंड फीवर इन हीमोडायलिसिस ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़ीवर क्या होता है फ़ीवर में क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का टेम्परेचर मीस तापमान नॉर्मल रेंज से नॉर्मल रेंज कितनी होती है फॉरन में नाइन्टी डिग्री और सेल्सियस में थर्टी डिग्री अगर इन रेंज से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है नाइन्टी नाइन हंड्रेड या थर्टी सेवन से थर्टी एट या थर्टी नाइन तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को या इस व्यक्ति को बुखार हो गया है अब चिल्स में क्या होता है कि ठंड के साथ साथ ठंड के साथ साथ कप कपी भी होती है अगर ये सिचुएशन आ जाए कि ठंड के साथ साथ कप कपी भी लगे तो नॉर्मल भाषा में से क्या कहते हैं चिल्स बोलते हैं इसके साथ क्या होगा कि इसमें जो टेम्परेचर है जो बॉडी टेम्परेचर है वो माइनस टू से माइनस फोर डिग्री या उससे और ऊपर तक नीचे जा सकता है ठीक है इसके अलावा क्या होता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पर भी कभी कभी पहुँच जाता है अब सिम्टम्स क्या हैं जब भी इस तरीके से फ़ीवर या चिल्स होता है तो क्या होगा फीवर होगा डायलिसिस के समय पे शिवरिंग होगी वोमिटिंग आएंगी मीस की कपकपी आएगी और उल्टियाँ आएंगी सर में दर्द होगा और साथ में फ़ीवर भी होगा ठंड जैसी फीलिंग होगी ठीक है कभी कभी और uh, कभी कभी क्या होता है ठंड लगती है लेकिन उसके साथ फीवर नहीं होता कभी क्या होता है ठंड भी लगती है और बुखार भी होता है ठीक है कभी कभी ठंड वगैरह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बॉडी है वो रेडिश हो जाती है स्वेलिंग आ जाएगी आपने कभी कभी देखा होगा चमकदार तरीके से आ, उंगली फूल जाती है और रेड 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 हो जाता है तो ये सिचुएशन में वो चिल्सन फीवर की वजह से ही बहुत ज़्यादा होता है ठीक है और कभी कभी क्या होता है कि हाइपोटेंशन में जाता है मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा चिल्स और फीवर होता है डायलिसिस में तो कब थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब एक बार चला गया हाइपोटेंशन में फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हुआ फिर दोबारा से डायलिसिस पे लगाया तो फिर वो हाइपोटेंशन में चला गया तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कभी कफ बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है और रेस्परेटरी प्रॉब्लम मतलब कि सांस लेने की समस्या में दिक्कत होती है इसके अलावा क्या होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस में कर... जैसे पेशेंट आया तो डायलिसिस से पहले उसको फ़ीवर नहीं है। वो डायलिसिस से पहले फ़ीवर नहीं है लेकिन आप जैसे लगाएंगे ठीक है तब उसको फ़ीवर होगा बाद में नहीं होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना आते समय फ़ीवर होगा ना डायलिसिस के समय फीवर होगा लेकिन जाने के बाद फ़ीवर होता है पेशेंट को थर्टी फोर्टी मिनट्स के बाद में ठीक है और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है ठीक है तो डायलिसिस के समय पे मोस्ट प्रोबली चिल्स और फीवर होता ही होता है अब कॉजेस क्या है इन्फेक्शन है सेप्टिसमिया है अगर डायलैजर रिएक्शन मतलब प्रॉपर डायलैजर वॉश नहीं हुआ है या फिर वास्कुलर इन्फेक्शन जैसे कि फिस्टुलरा जो बनता है डायलिसिस के लिए उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है या पायरोजेनिक रिएक्शन का मीन्स होता है कि जो एंड पानी में एक एंटोटॉक्सिन बैक्टीरिया होता है अगर वो मर जाता है ठीक है तो उसकी वजह से भी पैरोजेनिक रिएक्शन होते हैं मींस कि नॉर्मल हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से जो रिएक्शन होते हैं ना पैरोजेनिक रिएक्शन बोलते हैं कोल्ड डायलिसिट मींस कि जो वाटर यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो और इसके अलावा क्या है कि जो भी स्टाफ या डॉक्टर या नर्स किसी डायलिसिस पेशेंट को अगर देख रहा है या हीमोडायलिसिस चल रही है या फिर हीमोडायलिसिस करने जा रहे हैं अगर वो एसेप्टिक मतलब साफ़ सुथरी टेक्निक नहीं अपनाते जैसे कि आप नॉर्मल सोचिए कि हम जब भी डायलिसिस स्टार्ट करते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहनना होता है बीटाडीन वगैरह से उसको क्लीन करना होता है एरिया को जहाँ निडलिंग करनी है लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी में ना ग्लव्स पहनते फटाफट से ट्यूबिंग वगैरह लटकाया और उसके बाद बस नीडलिंग कर दी ग्लव्स भी नहीं पहने कुछ नहीं पहना और कहीं कहीं तो क्लीनिंग भी नहीं होती है या फिर नॉर्मल बस स्प्रिट लिया और क्लीन कर दिया और लगा दी लेकिन ये टेक्निक जो है ये पेशेंटों के लिए बहुत हार्मफुल होती है ये अदर पेशेंट के किटाणु जो है उसको दूसरे पेशेंट के कीटाणु में भेजने का, का काम करती है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए क्योंकि इससे पेशेंट का ही नुकसान बहुत ज़्यादा है ठीक है इसके अलावा अगर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊं शायद आपको ना पता हो कि जो हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट हैं उनका जो अगर कहीं स्पिल गिर जाता है ब्लड का तो वो तीन हफ्ते तक तीन हफ्ते तक जिंदा रहता है ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जिसके की चोट हेरा लगी है वो उसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो वो अगर उससे टच हो जाता है तो इट मीन्स क्या कि वहाँ के और वो नेगेटिव पेशेंट के पास चला जाए तो मतलब हेपेटाइटिस सी से वो एक हिपेटाइटिस सी का कीटाणु लेके नेगेटिव के पास आ गया तो वो उसको भी इन्फेक्टेड करेगा तो बेटर ये है कि आप एसेप्टिक टेक्निकों को जो टेक्निक्स हैं जो कि गाइडलाइन दिया हुआ है कि ऐसे करिए ये करिए ग्लव्स पहनिए और आप अपने हैंड वॉश करिए तो ये सब चीज़ें आप अपनाएं जिससे कि अदर पेशेंट को भी नुकसान ना हो और और इसमें क्या है कि अगर जो डायलेज सोल्यूशन होता है वो कंटामिनेटेड हो मतलब सोचिए कि जनरली डायलेज सोल्यूशन को सेम डे खत्म कर देना चाहिए लेकिन कभी कभी कई जगह देखा जाता है कि दो दिन पुराना या एक दिन पुराना डायलिसिस सॉल्यूशन लगा रहा है या फिर ऐसा हो जाए कि एक पेशेंट की डायलिसिस कर दी और दूसरी तो मशीन को प्रॉपर क्लीन भी नहीं करवाया और दूसरे पेशेंट को लगा दिया या जो सफाई करने वाला है उसने मशीन को प्रॉपर क्लीन नहीं किया तो ये भी एक पेशेंट Uh, को बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु हैं उनको uh, देने का मतलब पूरा पूरा श्रेय इन चीज़ों से जाता है जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहरा होने के पूरे चांसेस बनते हैं और आगे वो फीवर और चिल से जूझते ही हैं इसके अलावा क्या है कि अगर पेशेंट को कोई uh, ये बीमारी हो जैसे टीबी हो या फिर टीबी में तो आपको पता ही है हर समय फीवर रहता है हल्का हल्का तो डायलिसिस के समय और ज़्यादा हो जाता है ठीक है तो टीबी हो या निमोनिया हो या आपके टाइफाइड हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इन सब चीज़ों से भी पेशेंट को चिल्स एंड फीवर हो सकते हैं इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है आप जो भी पॉसिबल रीज़न है ठंड का उसको देखिए इसके अलावा आप जो मशीन से कल्चर के लिए दो मशीन में आर्टीरियल और वीनस पोर्ट होते हैं तो वहाँ से दोनों तरफ से फ्लूड लेके उसको कल्चर के लिए भेजिए कि कहीं इसमें बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है इसके अलावा आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करें अगर पेशेंट को पेन है तो आप उसको एसीटाफिन दे सकते हैं एसिटामिनो फैन दे सकते हैं वो भी फिजिशियन के ऑर्डर से ठीक है आप जो मेडिकल टेक्निकल ऑफिसर होता है उसको लिमिलस एमिलो अमीबोसाइसलाइजेड टेस्टिंग के लिए मतलब बताइए कि भाई कहीं वो भी इसी के लिए होता है कि डायल में या वाटर में कहीं अगर ये आ जाता है एक बैक्टीरिया होता है अगर वो आ जाता है तो उसके लिए ये टेस्ट होता है तो उसके लिए मेडिकल टेक्निकल ऑफिसर को आप बताएं ठीक है और जितने भी बैक्टीरिया से रिलेटेड जो एंडोटेक्सिन बैक्टीरिया से रिलेटेड फीवर अगर आता है अगर आपको पता चलता है तो आप उसको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी इन्फेक्शन है मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर फीवर होता है जैसे आप बहुत समय देखा होगा कि पेशेंट आया उसको फीवर आ जाता है डायलिसिस पे तो ऐसे पेशेंटों को एंटीबायोटिक्स देके एंटीबायोटिक कोर्स देके डायलिसिस पे ख़त्म किया जाता है इसके अलावा जो एसेप्टिक टेक्निक को हमें जब हम निर्लिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमें एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिससे कि एक पेशेंट के कीटाणु दूसरे पेशेंट तक ना पहुंचे और पेशेंट सेफ रहें सभी पेशेंट इसके अलावा क्या है कि जो कैथेटर वाले जो पेशेंट होते हैं उन के समय समय पे देखना चाहिए कि जहाँ कैथेटर बना हुआ है या जहाँ पे कैथेटर का पॉइंट है वहाँ पे कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं है जहाँ पे उसे इन्फेक्शन हो रहा हो और प्रॉपर उस एरिया को कैथेटर वाले एरिया को प्रॉपर बीटाडीन वैरा से प्रॉपर क्लीन करें इवन ये काम तो आपको फेस्टुला में भी करना है कि अच्छी तरीके से बीटाडीन से और स्प्रिट से क्लीन करें लेकिन जो कैथेटर है उस एरिया को बीटाडीन वैरा से क्लीन करना चाहिए और क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी चाहिए जब आप कैथेटर को पैकिंग कर रहे हैं ठीक है मशीन को प्रॉपर तरीके से क्लीन कराइए इसके अलावा आप पेशेंट के जाते समय जब पेशेंट आ रहा है आपके पास तब भी पेशेंट जब जा रहा है तब भी और जब डायलिसिस कर रहे हैं तब भी एसेप्टिक टेक्निक यूज करें जिससे पेशेंट को इस इन्फेक्शन या कोई अदर बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ों से कोई नुकसान ना पहुंचे इसके अलावा जब जनरली हम क्या करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ठंड वगैरह लग जाती है डायलिसिस के समय और हमें जब पता नहीं होता तो हम उसको हाइड्रोकोटीजोन और रेबिल देते हैं कि पेशेंट थोड़ी देर शांत हो जाए ठीक है और लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये कभी के लिए चल सकता है लेकिन आपको बाद में कल्चर वगैरह के लिए भेजना ही होता है टेस्टिंग के लिए पानी को ठीक है तो ये कुछ कॉजेस थे ट्रीटमेंट थे ये मैंने आपको बता दिया और मेरा बस आपसे यही कहना है मेरा चैनल न्यू है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा थैंक यू